हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 70 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह तो सबने बहुत ज़्यादा देख लिया, 69 एपिसोड तक रेगुलर वही डायलॉग मार मार के मैं भी पक चुका हूँ। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और सीधे चलिए आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना एपिसोड। तो एपिसोड की एंडिंग में मतलब लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जो एल्डर होता है वो उस पर अटैक करने लगता है, एल्डर गोस्ट। तभी अचानक से जो लिन होता है, लिन के पीछे कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और वो लिन से कहने लगते हैं, हे लिन, ये मिस्टर लिन, जरा आप हमारा भी इंतजार करो। और वो एल्डर वहाँ पर बस सामने खड़ा हुआ होता है, जिसे देखा नहीं होता लिन ने, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और बोलता है, हे लिन लैक के पास तो सच में बॉडीगार्ड है। तभी जो लिन होता है उससे कहने लगता है, हे मुझे फॉलो करना बंद करो। तभी वो दोनों के दोनों उसकी टांग पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, हे मिस्टर लिन, हमें इस तरीके से छोड़कर मत जाइए, हमें भी अपने साथ ले चलिए। और वो बोलने लगते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमने मिलकर इकट्ठा किया है, प्लीज़ ब्रदर लिन, हमें भी अपने साथ ले चलिए। तभी हमें कोनिया को दिखाया जाता है, कोनिया का तो दिमाग कुछ आधा चला ही रहा होता है अलग, खैर मोचेंग के तो ऐसे चिपक रही होती है जैसे अभी ले लेगी बेटा, ले लेगी, बच के रहना। खैर बकवास तो छोड़ो, इतना तो नहीं लेना। खैर मन में सोचते हुए बोलते हैं, ट्रिब्यूट किया, सच में लिन मरने वाला है। और तभी जो लिन होता है उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम जबकि अपनी मर्जी से मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बेकार तरीके से मतलब पुअरली ट्रीट नहीं करूँगा, आज मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। और इस सब का रिजल्ट है ग्रिल्ड मीट। और तभी वो मतलब उस मीट से खाना पकाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, आज तुम्हारा भाई खाएगा और तुम्हारी जो बहन है वो खड़ी नहीं हो पाएगी खाने के सामने, और सिस्टर भी इसे खाएगी और हमारी जो अर्थ है वो सेकेगी, मतलब हिलेगी, भूकंप आ जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाएंगे। और तभी वो बोलने लगता है, जो मेरे अनबीटेबल एग्स हैं और प्लस ए ग्रेड बीफ के साथ और हैप्पी वाटर से सॉस बनी हुई, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को देखकर तो मोचेंग और कोनिया के मुंह में पानी टपकने लगता है, एकदम लाल टपकने लगती है, क्या ही बोले, एकदम जब ला जवाब देखकर तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। खैर है तो वही टेरियन पर देखने में क्या जाता, मन तो सभी का चलता है ना, अंदर क्या पता क्या है। और तभी जो लिन होता है वो बोलता है, मैं लिन सिर्फ अपनी टीम मेंबर के बारे में केयर करता हूँ, तो जल्दी से इसे ले लो। और उन दोनों को देने लगता है और वो दोनों उसको खाना स्टार्ट कर देती हैं धीरे धीरे करके। तभी कोनिया उसको खाती है और उससे बोलती है, इसका जो टेस्ट है वो वाकई में आउटस्टैंडिंग है, और बाहर से एकदम लाजवाब क्रिस्पी, एकदम कुरकुरा, और अंदर से एकदम मुलायम। और तभी मोचेंग उसे खाती है, इसमें खाने के बाद एकदम से स्ट्रेंथ आ गई, मेरी जो बॉडी वो फुल एनर्जी से भर चुकी है, और शक्ल तो ऐसी लगी है कि किसी ने खेल कर दिया हो, इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिल गई हो, मतलब खूब सारा खाना मिल गया, एकदम पेट भर के, एकदम थोड़े में ही पेट भर गया, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई हो। और उनका एक्सप्रेशन देखकर तो किसी के भी हालत ख़राब हो जाए, और दोनों के दोनों बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं और ज़्यादा नहीं झेल सकती, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जैसे कि देख सकती हैं उनके मेलन फूल चुके हैं और बाहर आने लगे, गिरने वाले हैं ऐसा लग रहा है, मतलब मेरा मतलब मेलन जो तरबूज है वो पक चुके हैं, वो गिरने वाले हैं ज़्यादा पकने के कारण, ऐसा लग रहा है ना। और खैर छोड़ो, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक नहीं है सेहत के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उनके जो साथ चेले होते हैं, बोलते हैं हमें भी ये बाय करना है बिग ब्रदर, और खूब सारा पैसा निकाल लेते हैं और बोलते हैं, मुझे भी ये पे मतलब मुझे भी खरीदना है, मैं पे कर दे सकता हूँ, मेरे पास स्प्रिट स्टोन है और ट्रेजर है, क्या मुझे मिल सकता है ये। और तभी जो लिन होता है उनसे बोल लगता है, मुझे पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और फेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, आखिरकार मैं अपने ब्रदर से किस तरीके से ये ले सकता हूँ ये मनी और चीज़ें, मेरे लिए सभी के सभी लोग एक जैसे हैं, सभी की सभी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर डाल दो, मतलब कहना मुँह कुछ और कह रहा है और शरीर कुछ और कर रहा है, धीरे धीरे करके लेने लगता है और बोलता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कोहनिया होती है और जो मोचिंग होते हैं, उस बॉक्स को देख कर बहुत सरप्राइज होते हैं और उनके तो धक होने लगती है, एकदम दिल बाहर आ जाते हैं इतना सारा पैसा देखने के बाद। तभी लिन से कहते हैं, लिन ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हारे तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान है, हम तो इतना सारा कमा भी नहीं सकते इतनी जल्दी। और तभी लिन कहने लगता है, इस चीज़ को छोड़ना मत, जो मेरा बारबेक्यू है वो लिमिटेड है, तुम इसे डिजर्व करते हो, मैं आप सभी को 20% डिस्काउंट देता हूँ, और जो भी ग्रुप में बाय करेगा उसको 10,000 स्प्रिट स्टोन की ज़रूरत है। तभी जो लोग होते हैं वो कहते हैं, मेरे पास 10 बैचेस है, और सबको बेचने स्टार्ट कर देता है शान से। इसको देखने के बाद जो एल्डर गोस्त होता है, गोस्त एल्डर होता है जो भी है, वो देख कर कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुमने इन गोश्त को रोस्ट करके पका दिया, और तो और इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रही है, और इसके मुँह से भी लाल टपक रही होती है खाने के लिए, और बोले लगता है, ये अभी भी इतना ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा फैन कैसे बन गए सबके, क्या ये सच में ह्यूमन थिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है कोनिया कुछ चॉपस्टिक लेती है और उसे बोलती है, हे बॉस मुझे एक और चाहिए। तभी लिन उससे कहता है, तुम बेवकूफ़ कहीं कि मैं तुम्हारे जा रहा सच में बुरी तरीके से चूस ले जाऊँगा, किसी दिन फ्री में खाने बैठ गई हो अम्मा।
तभी हमें दिखाया जाता है, वो लिन और पका देता है और उसे देना स्टार्ट कर देता है। तभी मोचेंग उसके पास आती है और उसे कहती है, जरा एक मिनट रखो, वेट, क्या हमारा जो काम था वो गोश्त को मारना नहीं था? तभी लिन उससे कहता है, खाओ पियो और ऐश करो, यही हमारे लिए काफ़ी है, हमारा जो फर्स्ट मिशन है वो अब अपने आप को रिफ्रेश करना है, और यहाँ पर कोई भी गलत गैस नहीं है, और इस एरिया में कोई भी गोश्त नहीं है, और बढ़िया चिल मारकर वो और उसके टीम मेंबर जमीन पर आराम कर रहे होते हैं, एकदम बॉस की जिंदगी जी रहा है मजे में। और तभी जो गोश्त होता है, गोश्त अलर्ट होता है, बोलता है तुम कमीने कहीं के, आखिरकार ये लोग लिन को फॉलो क्यों कर रहे हैं? और अभी अगर मैं चुप्पे से जाकर लिन पर अटैक कर देता हूँ तो मेरा पास अच्छा मौका है इसे मारने का। तभी हमें दिखाया था कुछ लोग वहाँ पर छुपकर उसे देख रहे होते हैं, और वो गोश्त भी देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये लोग कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे यंग मास्टर लू आ गए होते हैं, और वो बोलते हैं क्या तुम सभी के सभी लोग रेडी हैं, हमारा टाइम आ चुका है, मतलब तुम्हारा टाइम आ चुका है सर्व करने के लिए, तुम जल्दी से चार्ज करो और सिलेंट लैग को यहीं पर मार दो। तभी बोलते हैं यंग मास्टर हम आपका मिशन पूरा करने का प्रॉमिस किया है आपसे, तो हम इसे पूरा करेंगे। तभी जो गोश्त होता है वो उसको देखकर खुश लगता है और बोलता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है अच्छा तो ये तू हो फैमिली के यंग मास्टर हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है ये भी लिन को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, जो एनिमी मतलब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी वो अपनी मैजिक स्ट्रिंग निकाल लेता है और मतलब रस्सियों जैसा कुछ और उसके तरफ फेंक देता है, और तभी वो मन में सोचते हैं उस पर मैजिक करना स्टार्ट करता है और बोलता है जो मेरा थ्रेड है वो किसी भी नेगेटिव इमोशन को कैप्चर कर सकता है और काबू में कर लेगा, और मुझे उम्मीद है तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आंसर से। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और उसके जो इमोशंस है वो और ज़्यादा बाहर आने लगते हैं, और बोलने लगता है बिल्कुल नहीं, मैं लिन को मार दूंगा, मैं लिन को अपने हाथों से मारूंगा, और मैं मोचेंग को रियलाइज़ कराने दूंगा कि सिर्फ मैं ही उसके लिए काबिल हूँ और मैं ही उसकी किस्मत हूँ। जिसे देखकर उसके जो चेले होते हैं वो भी एकदम सरप्राइज होते हैं और वो गुस्से में आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और बोलने लगता है लिन अगले साल तुम्हारी ये डेथ एनिवर्सरी होगी। तभी जिसे देखकर सब लोग जग जाते हैं और बोलने लगते हैं हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे देखकर जो लिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है लुओ यंग मास्टर कहाँ पर है लुओ यंग मास्टर, मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है फिर से। और हमें दिखाया जाता है लुओ यंग मास्टर की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है, और बोलता है जो भी इस लिन का सर काट कर मेरे पास लेकर आएगा वो मेरी फैमिली का गेस्ट बनेगा, गेस्ट का मतलब कुछ ज़्यादा इनाम मिलेगा बढ़िया। तभी उसकी टीम मेंबर होते हैं उसे कहने लगते हैं लिन को प्रोटेक्ट करो हमारे लिन को। तभी हमें दिखाया था अचानक से एक परछाई पीछे से आती है, ब्लैक परछाई, और वो बोलती है तुम सामने से हटो, ये काम मुझे करने दो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन की स्प्रिट होती है, तलवार वाली स्प्रिट, स्वॉर्ड स्प्रिट, वो बाहर आती है और वो सीधा अपने मैजिक स्लैश का इस्तेमाल करती है उन लोगों के खिलाफ, और एकदम से डीमन लग रही होती बिल्कुल, जैसा मालिक वैसा चेला। और इसको देखकर जो लू है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है ये किस तरीके का क्रिएचर है भाई। और तभी जो स्पिरिट होती है वो उससे बोलती है चलो चलते हैं, देखते हैं कौन मेरे मास्टर को टच करने की हिम्मत करता है, तुम आज ज़रूर मारे जाओगे मेरे हाथों। तभी जो लू होता है वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बॉडीगार्ड के बिना ये नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। और कुछ स्पिरिचुअल पावर एनर्जी से ग्रेविटी जैसा कुछ फोर्स दिखाई देता है हमें, इसको देखकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाते हैं लुओ के। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे को, होंगे बोलती है यहाँ पर एक अर्थक्वेक है, ये जरूर उन गोश्त के कारण हुआ होगा। तभी हमें दिखाया जाता है लिन लुओ के पीछे आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है हमारा जो ब्रदर है लुओ ब्रदर वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं, और मैं आपकी मदद करता हूँ आपकी बॉडी चेक करने में। और फिर लुओ से कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ। और तभी जो लिन होता है उसकी बॉडी को पकड़कर उन गोश्त के सामने कर देता है और बोलता है लिओ यंग मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमारी मदद करेंगे हम उन अटैक से बचने के लिए। और दिखाया जाता है उसकी मार पड़ रही होती है बुरी तरीके से यंग मास्टर लुओ की, और लुओ चिल्ला रहा होता है तुम लिन लैग कमीने कहीं के, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम एक डीमन और कुछ भी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो कोनिया और मोचेंग अपने पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और बोलते हैं चलो इन्हें दिखाते हैं अपनी पावर का कमाल। और तभी ये लिन की जो स्प्रेड होती है स्वॉर्ड स्प्रेड वो बोलती है तुम तुच्छ गोश्त कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी थॉमस राउंड हाउस चॉप टेक्निक, और वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है अपनी स्वॉर्ड को। तभी जो लिन से लुओ से कहता है तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम किस लिए अपने आप पर इतना ज़्यादा घमंड दिखा रहे थे। तभी लुओ से कहता है तुम लिन कितने ज़्यादा शेमलेस हो, तुम मोचेंग को मुझे वापस कर दो, मोचेंग मेरी है मेरी। तभी जो लिन होता है वो कुछ एक कैन जैसा कुछ निकाल लेता है और उससे बोलता है अच्छा अब तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब तड़प रही हो गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ उसके लिए। और जिसे देखकर लुओ से बोलता है आखिरकार ये क्या चीज़ है,
और तभी हमें दिखाया जाता है एक शैतानी आइडिया इनके दिमाग में आता है और वो उसको ड्रिंक पिलाना स्टार्ट कर देता है और उसे बोल लगता है तो अपना भूमन रखो और जल्दी से इसे पियो। और बोल लगता है ये मेरा एक सीक्रेट फार्मूला है हैप्पी लाइफ बटर का, जिसे पीने के बाद जो ब्रेन की एक्सरे है वो इंक्रीज हो जाती है और हार्मोन्स हैं और तो जो एमिट्स हैं वो एकदम सेंट अट्रैक्टिव सेंट छोड़ने लगते हैं अपोजिट सेक्स के खिलाफ और उसको यूज किया जा सकता है, मतलब मेल पी रहा है तो फीमेल के खिलाफ काम करेगा, फीमेल पी रहे तो मेल के खिलाफ। तभी अचानक से कोई इस लुआ यंग मास्टर के पीछे आता है और उसे बोलता है अच्छा तो जो हमारे जो क्यूट लिटिल ह्यूमन ब्रदर है इसके अंदर से कितनी ज़्यादा मसलिनस सेंट आ रही है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और हमें दिखाया जाता है एक गोस्त उसके मतलब गोस्त मंकी उसके पास आ गई होती है, एक फीमेल है। अब आए का सीन तो आप समझ ही गए हो कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा था अब तक, जिसे देखकर यंग मास्टर एकदम से घबरा जाता, बोलते हैं अबे हॉली स्ट्रीट ये क्या बकचोद है, और तभी जो लेना उसको उनके खिलाफ उनके ऊपर फेंक देता है और सभी के सभी मोबाइल निकाल कर उसके वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो गोस्त होती है गर्ल गोस्त वो उसकी जल्द उड़ना स्टार्ट कर देती है और चुम्मचाड़ी चालू हो जाती है। तभी जो मोचेंग उसको शूट करते हुए बोलती है ये पिक्चर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो वाकई में इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गई, अब आई के सीन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है जितनी भी आसपास की गोस्त होती है वो वहाँ पर आ गई होती है, मकड़ी गोस्त, रायना गोस्त और वही मंकी गोस्त और क्या ही बोले अब बोलते हैं और सभी बोलते हैं सिस्टर चलो एक साथ करते हैं मज़े करते हैं आज, और बुरी तरीके से इसकी जिद लड़ना स्टार्ट हो जाती है। तभी लोग चिल्लाते कहते हैं तुम कमी लोग कहीं कि मेरे पास मत आओ मेरे पास मत आओ, और बोल लगते हे भगवान मुझे बचा लो मैं और ज़्यादा नहीं झेल सकता, और इसकी इज्जत बुरी तरीके से लुट जाती है। अब तो जैसे देख सकते हो अब ये और ज़्यादा प्योर नहीं रहा और इसकी प्योरिटी भी गई तो गोश्त के साथ गई। तभी जो लिन होता है उससे कहता है हमारे जो यंग मास्टर लुओ है वो अपने रास्ते जाएंगे, और तभी जो लुओ मास्टर लुओ होता है वो उससे कहता है लिन मैं भी अभी एक बच्चा हूँ मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और तभी जो गोश्त एल्डर होता है वो उससे कहता है आखिरकार हमारे पास फिर से एक गधा और बेवकूफ़ सुगर जैसा टीममेट कैसे आ गया फिर से ये लूज़र कहीं का, अब मैं सिर्फ यांगी के पास वापस जा सकता हूँ मदद मांगने के लिए। तो गाइस हमें पता चल चुका है उस पीलिया का नाम, उसका नाम यांगी है, हम भूल चुके थे अब याद आ चुका है हमें उसका नाम यांगी है। और तभी हमें दिखाता है यांगी स्पिरिचुअल एनर्जी को कांगलन माउंटेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, अचानक से मैं और ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ इस माउंटेन रेंज में से, और एकदम से ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि ये इस स्पिरिचुअल वीन में से और ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और जैसा हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ लाइट सी चमकने लगती है और ह्यूमन शेप आने लगती है, और जिसे देखकर यांग जी बोलता है क्या ये स्पिरिट मतलब स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है, इसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है ये स्पिरिट बनने वाली है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, ये देखते हैं आगे चल के एपिसोड में ये किस तरीके की स्पिरिट बनेगी या बनेगा हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड में, और कितना ज़्यादा धमाका आता है कितना ज़्यादा कितनी ज़्यादा तीखी मिर्ची लगती है। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, और कुछ हो प्रॉब्लम तो ज़रूर सॉल्यूशन जरूर देना, सिर्फ बताना नहीं सिर्फ सॉल्यूशन भी देना, और लाल कलर का बटन दिखना होगा जल्दी से दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा, लाइक कर देना यार, इतना ही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कुछ चाहिए भी नहीं गाइस, अब ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।